रीता पकवान में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज फिर से नई रेसिपी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट सुबह के लिए या डिनर या लंच में किसी भी टाइम में खा सकती है। भुजिया का टेस्टी और क्रिस्पी स्टफिंग पराठा, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं भुजिया ली हूँ, चॉप किए हुए छोटे छोटे टुकड़े प्याज, धनिया पत्ते, हरी मिर्च कटी हुई, वो जितना तीखी पसंद करते उस तरह से, और लाल तीखी मिर्च। आटा में पहले से आधा घंटा पहले इसको अच्छे से सॉफ्ट गूंथना है, खूब टो को नरम सॉफ्ट करके। और इसमें मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाली हूँ, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाल करके सॉफ्ट गूंथ करके मैं आधा घंटा रेस्ट के लिए इस आटा को रख दिया। अब चलिए मैं नाश्ता बनाने स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आप किसी भी टाइम में आप इस नाश्ता को बना करके रह सकते हैं, क्योंकि हर समय सबके घर में भुजिया रहता ही है और बहुत क्विक और जल्दी नाश्ता बनने वाला ये रेसिपी है। इसे जब बनाने टाइम में संग संग इसमें भुजिया को मिक्स करना पड़ता है। अगर भुजिया पहले से मिक्स कर दीजिएगा प्याज के साथ तो नरम हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें भुजिया डाल रही हूँ, जितने जन का खाना है बस उतना ही इसमें मिक्स करना है। जब प्याज डालूँगी, पहले से अगर प्याज मिला दिया जाएगा तो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रह जाएगा भुजिया और खाने में टेस्टी नहीं लग जाएंगे। अगर तीखी खाना पसंद हो तो मिर्ची डालिए, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। अब सिर्फ हरी मिर्ची डाल के छोड़ दीजिए। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। नमक अगर ज़्यादा पसंद है तब तो ऊपर से नमक डालना है, और नहीं तो इसमें से भुजिया में ऑलरेडी नमक पहले से रहता ही। आइए मैं अब भुजिया का पराठा स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक लोई ली है, जो सूखे आटा लगा लिए, और आटा के जगह में चाहे तो मैदा भी लगा सकती हैं आप। और स्टफिंग तैयार है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि जब इच्छा हो आप बना के खा सकती हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है नाश्ता बनता। बस यही है कि जब खाने टाइम में ही प्याज और मिर्ची और धनिया पत्ता मिक्स करना, पहले से अगर मिक्स करके रख देंगी तो ये नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट उतना क्रिस्पी नहीं लगेंगे खाने में। अच्छे से भरना, बिल्कुल सॉफ्ट आटा रहने से ये बाहर निकलेंगे नहीं और पराठा फटेंगे नहीं। एक बना के आपको दिखा दे रही हूँ। बच्चे बड़े सब पसंद से ये नाश्ता करते हैं और ये बहुत अनकॉमन नाश्ता है। घर में ऑलरेडी सबके घर में भुजिया होता है, नमकीन होता, जब इच्छा हो खाने को, मन करे कि हाँ चलो नाश्ता, एक नाश्ता करते करते जी उब गया तो चलो चेंज हो जाएगा नाश्ता, और बच्चे लोग भी आराम से खा देंगे और बड़े लोग भी इसको डिनर में, लंच में कभी भी आप खा सकती हैं। अब मैं इसको तवे पर डाल दिया। गरम गरम बना के खाएंगी तो बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है। अगर नमक मिलाना हो तो मिलाइए, नहीं नमक तो ऑलरेडी तो भुजिया में नमक रहता ही है, और कभी भी किसी भी वक्त बना सकती हैं, क्या सबके घर में भुजिया नमकीन होते ही हैं। जब किसी जोर से भूख लगे तो यह नाश्ता बना के आराम से खा सकती। सुबह के भाग दौड़ में सब को, महिलाओं को, लेडीज लोग को टाइम नहीं रहता, तो बहुत क्विक और 5 मिनट में बनने वाली नाश्ता है। एक तरफ सीख गए, अब दूसरे तरफ मैं सेक रही हूँ इसको क्रिस्पी होने तक। मैं अच्छी तरह से सेकूँगी कड़े होने तक।
अब दोनों तरफ सीख गए। अब मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहिए रिफाइंड में ऑयल में भी यूज जो आप पसंद है, घी ऑयल आप बना के खा सकती हैं, बच्चों को खिला सकती हैं। ये चटनी, अचार, सॉस किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, इसके लिए सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बन करके रेडी है, और देखिए कितनी अच्छी और कितने क्रिस्पी पराठा बने। ये देखिए अभी भी किसी भी समय ये बना करके आराम से खा सकती हैं सॉस चटनी के साथ। अगर ये आपको पसंद हो ये रेसिपी, बना के ज़रूर से ट्राई करेंगी, खाएंगी, मेरे को लाइक, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करेंगी।